मुंबई और महाराष्ट्र में आए हैं, उनके साथ जिस तरह से राज ठाकरे और उनकी पार्टी ने पिछले कई सालों से उन गरीबों की दुकानें तोड़ी, उनकी टैक्सियों पर चढ़ चढ़ के उनकी टैक्सियां तोड़ी और उनको बुरी तरह से सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के मारा, उनके घरों में आग लगा दी, यहां तक कि लोगों की कोई गलती नहीं, उनको पकड़ के इतना मारा गया, उनकी हत्याएं कर दी गई। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आज उसी राज ठाकरे जी के साथ आप कंपेन कर रहे हो, वोट मांग रहे हो, प्रचार करवा रहे हो कि राज ठाकरे जी आपकी वोट, क्या आपकी पॉलिसी पर प्रांतियों के लिए खत्म हो गई, आप राज ठाकरे की पॉलिसी को अपना रहे हो, या क्या राज ठाकरे जी ने यह कहा है कि मैं प्रांतियों से माफी मांगता हूं, मैंने जो पिछले दिनों किया वो मेरी भूल थी, बहुत बड़ी गलती है, मैंने ये भी नहीं देखा आज तक। मैं तमाम उन पर प्रांतियों से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ रहा है। इतने दिनों तक इनकी सरकार होने के बाद एक हत्यारे को गिरफ्तार नहीं किया गया, कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई, इन्होंने असेंबली के अंदर इस देश की भाषा का अपमान किया, खुलकर अपमान किया कि हम हिंदी में शपथ लेने नहीं देंगे, संविधान की धज्जियां उड़ाई इन्होंने पर प्रांति जिसको जो इस देश का रहने वाला कोई भी व्यक्ति कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी जाकर रोजी रोटी कमा सकता है, आप इन्होंने यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के इम्तिहान जो कंपनी एग्जाम्पल एग्जामिनेशन थे कंपटीशन थे उनकी भर्ती में जो लोग आए थे उनको मार मार के भगा दिया, और यहां तक कि जो गवर्नमेंट के एजेंसी जो ऑफिसर्स आए थे इंटरव्यू लेने उनको इंटरव्यू बंद करना पड़ा और यहां भर्ती नहीं हुई। तीन तीन दिन तक भूखे प्यासे बच्चे ट्रेन में भर के आए थे, उनको डंडे से मारा गया। आज वो राज ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूरे देश के तमाम लोगों से कहना चाहता हूं इस कांग्रेस और एनसीपी का सही चेहरा आप पहचानिए और इनको बताइए कि आज तुम लोगों ने जिस तरह से जुल्म किया अब वोट देने का समय है, हम बताएंगे आपको। मुझे उम्मीद है कि हम अपने सम्मान को जरूर बरकरार रखेंगे और कांग्रेस एनसीपी को मुंह तोड़ जवाब देंगे।